मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चंद्रयान 2 की चर्चा हर तरफ है। इसरो ने 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक चंद्रयान 2 को चांद पर छोड़ा। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई। इसे चांद पर पहुंचने में 48 दिन लगेंगे। इस मिशन की सफलता के बाद भारत उन कुल 4 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना डेंजरस है कि अभी तक अमेरिका, रूस, चीन ही इस कारनामे को अंजाम दे पाए हैं। चंद्रयान 2 की पूरी जानकारी देखें इस वीडियो में। चंद्रयान 2 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। इससे पहले किसी भी देश ने चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग नहीं की है। इसी के साथ भारत यहां उतरने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। साउथ पोल पर काफी अंधेरा होता है, वहां सूर्य की प्रकाश भी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए किसी भी देश ने आज तक वहां लैंडिंग करने की हिम्मत नहीं की। चंद्रमा के इस क्षेत्र का टेम्परेचर भी बहुत कम है, इसलिए वहां वैज्ञानिकों को बर्फ या पानी मिलने की आशंका है। इससे पहले चंद्रयान 1 भी चंद्रमा पर पानी की खोज कर चुका है, जिसने पूरे विश्व को सरप्राइज कर दिया था। चंद्रयान 2 को बनाने में 978 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पूरे तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी भारत के टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका मेन पर्पस चंद्रमा पर पानी की क्वांटिटी का स्टडी करना, चंद्रमा पर मिनरल्स और केमिकल्स के बारे में पता करना, चंद्रमा के वातावरण का स्टडी करना शामिल है। चंद्रयान 2 में कई प्रकार के कैमरे, रडार लगे हैं, जिसे चंद्रमा के बारे में डिटेल में पता चल सकता है और उसके बारे में डीपली स्टडी किया जा सकता है। चंद्रयान 2 को बाहुबली रॉकेट से चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस रॉकेट का नाम GSLV Mark 3 है। इसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पावरफुल रॉकेट में से एक है। इसकी लंबाई 44 मीटर है और इसका वजन 640 टन है। चंद्रयान 2 भी अपने आप में बहुत खास है। इस यान का वजन 3800 किलो है। इसका पूरा खर्च 603 करोड़ रुपए है। चंद्रयान में 13 पेलोड हैं। इसमें भारत के 5, यूरोप के 3, अमेरिका के 2 और बुल्गारिया का 1 पेलोड शामिल है। चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल भी है। साइंटिस्ट चाहते थे लैंडर तभी लैंड करे जब चंद्रमा में दिन हो, ताकि वह 14 दिन तक काम कर सके, क्योंकि अगले 14 दिन चंद्रमा में रात होंगे, जिससे वहां टेम्परेचर -200 डिग्री तक पहुंच जाएगा। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अंतरिक्ष मिशन को 2 महिला वैज्ञानिक लीड कर रहे हैं। वनीता मुथैया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियर हैं, उन्होंने चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम संभाला और रितु कारीधल के पास मिशन डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वनीता मुथैया पहली ऐसी महिला है जो इसरो में बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पोस्ट पर है। वो डेटा हैंडलिंग में एक्सपर्ट है, इसी वजह से उन्होंने रिमोट सैटेलाइट्स का डेटा भी संभाला है। इससे पहले वह चंद्रयान 1 के अलग अलग पेलोड से आने वाले डेटा का एनालिसिस करती थी। अब वनीता मुथैया के पास चंद्रयान 2 के लॉन्च और धरती पर वापस आने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वहीं रितु कारीधल को रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। वह मंगलयान में डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। अब उन्होंने चंद्रयान 2 में डायरेक्टर इंचार्ज का काम संभाला। उन्होंने चंद्रयान 2 के ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी डिजाइन किया है। भारत ने चंद्रमा पर अपने दूसरे बड़े मिशन चंद्रयान 2 को देश के सबसे हैवी 43.43 मीटर लंबे GSLV Mark 3 M1 रॉकेट की मदद से सोमवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान लॉन्च के 16 मिनट बाद यान से अलग होकर पृथ्वी की पार्किंग क्लास में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 7 सितंबर को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए अपनी 384,400 किलोमीटर की 48 दिन तक चलने वाली जर्नी शुरू कर दी। देश के करोड़ों लोगों के सपनों के साथ 3,850 किलोग्राम हैवी चंद्रयान 2 ने दोपहर 2:43 पर शानदार उड़ान भरी। इसके लॉन्च के लिए काउंटडाउन 20 घंटे पहले रविवार को शाम 6:43 पर शुरू हुई थी। चंद्रमा मिशन, जिसे मूल रूप से 15 जुलाई 2019 के लिए शेड्यूल किया गया था, लास्ट काउंटडाउन से ठीक पहले एक टेक्निकल एरर की वजह से पोस्टपोन हो गया। चंद्रयान 2 GSLV Mark 3 की मदद से 4 टन क्लास के सैटेलाइट्स जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाने में समर्थ हैं।
अंतरिक्ष मिशन कॉम्प्लेक्स टॉपोग्राफिक स्टडीज और एक्सटेंसिव मिनरल एनालिसिस के माध्यम से हमारे नेचुरल सैटेलाइट को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करेगा। ये स्टडी लैंडर विक्रम द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लॉन्च के समय चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बयालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN के साथ साथ विक्रम के साथ बातचीत करने में सक्षम होगा। पेलोड में चुनिंदा क्षेत्र का 3D मैप तैयार करने के लिए टेरेन मैपिंग कैमरे इंक्लूडेड हैं, जबकि एक लार्ज साइज के सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में रॉक स्ट्रक्चर वाले बहुत सारे एलिमेंट्स को मैप करेगा। एक ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा लैंडिंग साइट की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करेगा और एक इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर पोलर रीजन्स में हाइड्रोक्सिल और H2O एटम्स के साथ मिनरल्स की पहचान करेगा। ऑर्बिटर का मिशन लाइफ 365 दिन का होगा, जबकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन लाइफ चंद्र का एक दिन होगा, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। भारत के सेंट्रल इक्विपमेंट रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर ने GSLV Mark 3 रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन के लिए फ्यूल इंजेक्शन और अन्य पार्ट्स के लिए 22 प्रकार के वॉल्वो का निर्माण किया है। भुवनेश्वर में स्थित इस संस्था ने मार्च 2017 में इस विशेष चंद्रमा मिशन के लिए पार्ट्स का निर्माण शुरू किया था। इसरो रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सिमिलर सरफेस पर परीक्षण करना चाहता था, ताकि चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट बिना किसी रुकावट के हो जाए। चंद्रमा की सतह क्रेटर, चट्टानों और धूल से ढकी हुई है और इसकी मिट्टी का बनावट अलग है। IANS की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका से चंद्रमा से मिट्टी का इंपोर्ट करना एक कॉस्टली मामला था। इसके बाद इसरो ने एक लोकल सॉल्यूशन की तलाश की, क्योंकि इसकी जरूरत लगभग 60-70 टन मिट्टी की थी। कई भूवैज्ञानिकों ने इसरो को बताया था कि तमिलनाडु में सलेम के पास चट्टाने थी, जिसे एनोर्थोसाइट कहते हैं, जो चंद्रमा की सतह की तरह है। चंद्रयान 2 का यूज करके चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान के मिशन के ऑब्जेक्टिव में चंद्रमा मिट्टी के मिनरल और केमिकल कंपोजिशन का स्टडी करना शामिल है। चंद्रमा के पास साउथ पोल में पानी या बर्फ की खोज करना, इसके वातावरण की जांच करना, चंद्रमा भूकंप से रिलेटेड एक्टिविटीज का स्टडी करना और हाई रिजोल्यूशन कैमरे को यूज करके चंद्रमा की वैपिंग करना है। अब एक और सवाल यह उठता है कि हम चंद्रमा में क्यों जाएं? कई कारण हैं। इनमें मुख्य यह है कि चंद्रमा को अच्छे से समझ के वहाँ बेस स्टेशन बनाया जा सकता है, जो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही हमारे पृथ्वी और अस्तित्व को समझने के लिए। धरती और चंद्रमा लगभग एक समय पे बना है, लेकिन धरती पर वातावरण होने की वजह से काफी बदलाव आ चुके हैं, पर चंद्रमा लगभग न के बराबर बदला है और इसने प्राचीन इतिहास को संजोकर रखा है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इस गौरवपूर्ण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करके भारत की गरिमा को फैलाएं। इस मिशन के बारे में अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।